हाय, मैं जो आज वीडियो लेके आया हूँ वो बेसिकली है, तीन टूल है उसमें, तीन अलग अलग टूल है। तो उस टूल को मैं एक बार आपको बताता हूँ कैसे यूज होता है वो। इसमें देखेंगे तो इसमें कंपनी के लोगो कैसे उसमें डालेंगे। एक एक जनरली देखा होगा कंपनी का एक डिफॉल्ट लोगो टैली में डलता है, वो ये नहीं है, ये थोड़ा सेपरेट है, थोड़ा अलग है इससे। तो मैं दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। ऑथराइज सिग्नेचर, अगर कस्टमर का सिग्नेचर है इमेज में, अगर इमेज फाइल बना के रखते हैं तो वो कैसे इनवाइस पे लगेगा। और ये जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड में वाउचर जीएसटी इन्फो, वाउचर में अगर हम सेल परचेज रिसिप पेमेंट कोई भी एंट्री करते हैं और मान लो उसमें बहुत सारे आइटम हो गए, 100 150 70 कुछ भी आइटम हो गए, तो उन आइटमों के में कौन सा जीएसटी रेट है, क्या जीएसटी रेट है और कौन सा क्या एचएसएन नंबर है, वो जनरली हम देख नहीं पाते। तो ये हमने वाउचर पे ही आइटम का नाम सेलेक्ट करके एंटर करते ही वाउचर में ही दो कॉलम है वो आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली आइए देखते हैं कैसे काम करता है ये, कैसे चलेगा। तो मैं सबसे पहले एक फॉर्मेट दिखाता हूँ आपको इनवाइस का। जैसे देखेंगे ये सेल है और ये प्रीव्यू है। प्रीव्यू में देखेंगे ये देखो लोगो दिख रहा है यहाँ पे। लोगो में क्या है कि जो टैली का लोगो है, जो डिफॉल्ट में लोगो आता है, वो यहाँ आता है साइड में, लेफ्ट साइड में। ये कंपनी नाम थोड़ा राइट में शिफ्ट हो जाता है और लेफ्ट में आता है, लेकिन ये टॉप पे आ रहा है। तो ये कस्टमाइज्ड लोगो है, डिफॉल्ट में नहीं आता ये। सेकेंड है, जो सेकेंड ऑप्शन मैंने बताया वो है ये कंपनी का इमेज, ये अपना साइन और स्टैम्प आप ऐसे ही लगा सकते हैं और ऐसे ही इसको पीडीएफ में बनाओ, एक्सपोर्ट करो, मेल करो, कैसे भी है, ऑटोमेटिक ऐसे ऐसी सेम इनवाइस कस्टमर को चली जाएगी। तो ये है। और थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड वो है, अगर इसमें एंटर एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको एचएसएन और जीएसटी रेट ये दिख जाएगा आपको। अगर ये प्रिंटर है, प्रिंटर में क्या एचएसएन है, क्या जीएसटी रेट है, ये देखेंगे यहाँ पे। ये यहाँ भी इंफॉर्मेशन दिख रही है लिस्ट ऑफ आइटम में भी, और यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ये क्या है, इसका जीएसटी एचएसएन रेट क्या है, एचएसएन नंबर क्या है, क्लोजिंग क्वांटिटी क्या है, ये दिख जाएगा आपको। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है। तो बेसिकली यही है टूल, ये छोटा सा, बहुत छोटा सा टूल है। इसको लगाएंगे कैसे वो मैं समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। आइटम में एचएसएन क्या डल है वो भी दिख जाता है आपको। ये जैसे ही आप प्रोडक्ट एंड इसमें हेल्प में जाएंगे, हेल्प टीडीएल एड ऑन मैनेज लोकल टीडीएल, यहाँ फाइल लगा सकते हैं, यहाँ जाके पास दे देंगे फाइल लग जाएगी। वो बेसिकली मैंने लगा रखी है, यहाँ पर देखेंगे साइन एंड लोगो करके, तो ये फाइल दिख जाएगी आपको। तो थैंक यू, हमारा यही इतना ही था इस टूल में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है इकोसिस टेक्नोलॉजी, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई कमेंट है या कुछ भी है, या वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए, और जिससे अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व कर देंगे। धन्यवाद।